हाय गाइस, वेलकम इन टू अवर क्लासेस। मैं ज्ञान सिंह। जो हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज, उसको आप आज आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखा है कि एवरेज क्या होता है, उसका कैसे हम अप्लाई करते हैं, उस कुछ मेथड देखे थे। अब हम इसका देखते हैं कि अब क्वेश्चन में हम जो तरीके अभी तक हमने सीखे हैं उनको कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो एग्जाम पे सिंपल डायरेक्ट आपको एवरेज फाइंड आउट नहीं कराएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। अगर देखिए, जब कभी आपका जो सपोज करो कि आपको औसत निकालना है, कई लोग हैं, दो ग्रुप में बने हुए हैं, उनकी एज का औसत फाइंड आउट करना है, तो उसका जो एज का औसत फाइंड आउट करना है, दो ग्रुप बनाए हुए हैं, सपोज करो ये कोई एक ग्रुप ए है और एक ये कोई ग्रुप बी है। यहाँ पे अगर बात करें कि जो ग्रुप ए है, इसकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, 8 यानी कि 8 है, और ग्रुप 9 बी की बात करें, यानी ग्रुप बी की जो एवरेज एज है, यानी जो उनकी औसत आयु है, वो 9 है। तो अब पूछता है क्वेश्चन में कि इन दोनों ग्रुपों की औसत क्या होगी। अगर हम कहें कि ग्रुप ए में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है, यानी जो सदस्यों की संख्या है, 10 है, और ग्रुप बी में जो सदस्यों की संख्या है वो 20 है, यानी दोनों ग्रुप में सदस्यों की संख्या गिवन है और उनकी एवरेज एज गिवन है, यानी उनकी औसत आयु गिवन है। तो इस केस पे क्या करेंगे कि उनके सदस्यों का मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज यानी औसत से। तो देखिए, जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 × 8, तो इनके जो सारे सदस्य हैं उनकी क्या जाएगी, औसत। अब देखो यहाँ पे भी सेम यही मल्टीप्लाई करते हैं 20 × 9, तो यहाँ पे क्या आ गया, जो ग्रुप बी में जितने सदस्य हैं उनके उन सदस्यों के आयु का सम आ जाएगा, यानी ग्रुप बी के सदस्यों की आयु का सम ग्रुप ए के सदस्यों का आयु का सम। अब हमें चाहिए औसत, तो दोनों ग्रुपों को हम क्या जोड़ दें, एज को जोड़ दें, तो हमारी क्या आ जाएगा, इन दोनों ग्रुपों की औसत आयु। इसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स से हमें डिवाइड करना है, जितने सदस्यों की संख्या है उतने सदस्यों से हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे 20 + 10 तो कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 260/30, 0 0 कैंसिल, यानी कि ये आपका आ जाएगा 8/2/3 years। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनका कंबाइन एवरेज निकाल सकते हैं। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम, ये तो हमने देखा कंसेप्ट की कैसे हो हम फाइंड आउट करेंगे, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 साल है, तथा अध्यापक की आयु 40 साल है, तब कक्षा की औसत आयु बताइए, तब कक्षा की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है सिंपल। तो देखिए, यहां पे क्वेश्चन पे विद्यार्थियों की औसत आयु गिवन है, यानी जो अगर विद्यार्थियों की औसत आयु की बात करें तो यहाँ विद्यार्थियों की औसत आयु 30 है, सॉरी यहाँ पे जो विद्यार्थियों की संख्या वो 30 है और उनकी औसत आयु 10 है,
जो विद्यार्थियों की औसत तय गिवन है वो 10 साल है, यानी कि यहाँ पे अगर हम कहें कि जो 30 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 10 है। इसके बाद अध्यापक की आयु, यानी एक कोई अध्यापक है, यहाँ पे अगर अध्यापकों की संख्या नहीं गिवन है तो हम यही कहेंगे कि यहाँ जो टीचर्स यानी जो क्लास में पढ़ाने वाले हैं उनकी जो संख्या है वो 1 है, यानी एक अध्यापक की कितनी एज गिवन है, 40 साल। क्योंकि जो एक कैंडिडेट की होती है या उसकी एक सेपरेट एज कहिए या उसकी औसत कहिए, सिंगल के लिए वो सेम होती है दोनों। तो यहाँ देखिए, एक की औसत आयु 40 साल है, 30 की औसत आयु 10 साल है, तो हमें चाहिए कि ये जो टोटल कैंडिडेट इनकी औसत आयु क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड उनकी एवरेज, यानी उनकी औसत और जो सदस्यों की संख्या उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 × 10 +1 × 40, यानी कि 1 × 40 एंड डिवाइड बाय कितनी ज्यादा संख्या है सदस्यों की, यहाँ पे देखो 30 है और यहाँ पे 1 है, तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 31। तो आपका जो एवरेज आ जाएगा यहाँ पे 300 + 40, तो 340 डिवाइड बाय 31, आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, एवरेज उनका कितना है। तो इस जब आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो हम इस तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो इसका एक दूसरा पार्ट है, जो इसके जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, जब अभी हमने ग्रुप गिवन था तब हम बात किए थे, अब क्या करेगा कि 2 मेंबर्स या 2 ग्रुप की एज दे देगा। इसके बाद कहेगा कि इससे अगर एक निकल जा रहा है तो उनके जो औसत है वो या कम हो जा रही है ज्यादा हो जा रही है। यहाँ पे सेपरेट दिया था कि इनकी एज इतनी है, लेकिन आप बात कर रही कि अगर कोई एक मेंबर ग्रुप आ रहा है वो आपके ग्रुप से साथ ऐड हो जा रहा है तो उनकी एवरेज घट जा रही है या बढ़ जा रही है। तो जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स है उनको हम ध्यान देते हैं। तो एक क्वेश्चन पहले लिखते हैं, चौबीस छात्रों की औसत आयु 30 साल है, ये इसको कर लो, ये 20 साल है, यदि इसमें 20 अध्यापक को भी जोड़ लें तो उनका औसत 1 साल बढ़ जाता है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है कि छात्रों की संख्या कितनी 24 है और उनकी औसत आयु कितनी है 20 साल है। औसत आयु 20 साल, तो हम पहले क्या कहते हैं कि माना जो अध्यापक की आयु है वो कितनी है, x है। जो अध्यापक की आयु x है और इसके बाद 24 छात्रों की औसत आयु कितनी, 24 छात्रों की जो औसत आयु वो 20 साल है। 24 छात्रों की औसत आयु 20 साल। अब क्वेश्चन में कह रहा है
कि जब अध्यापक की आयु को भी हम जोड़ लेते हैं औसत निकालने में, तो उनका जो औसत है यानी एवरेज वो एक साल इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे देखो अभी एवरेज 20 है, तो अब अगर इन सबको जोड़ दें तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो जब इन तीन सभी कैंडिडेट का एवरेज 21 साल है, तो अब देखिए इनका एवरेज निकालने कैसे होगा। तो देखिए x इंटू 1 प्लस 24 गुणते 20, यहाँ पर जाएगा 24 गुणते 20। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, देखिए यहाँ पे कितने कैंडिडेट 24 और प्लस एक ये हो जाएगा, तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए 25। तो ये 25 इक्वल टू 21। अब देखिए यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी 48, 480 इक्वल टू, अब 25 का 21 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 525, 25 एकम 25 है, 25 दूनी 50। अब इसको माइनस करें x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 525 माइनस 480 इक्वल टू, यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ से आपने माइनस किया तो 4, यानी जो अध्यापक की एज आई वो 45 साल आई, यानी जो टीचर की एज आई वो 45 ईयर्स है। अब देखिए इस क्वेश्चन के हम एक ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ये तो हमने एक सिंपल सा एक्स मान के किया, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं इसका। देखिए जो मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक को आप जो भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी उन पे आप अप्लाई करिए, और उससे बहुत कम टाइम में आपके क्वेश्चंस यानी जो आपके आंसर है वो सॉल्व हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे टोटल पहले कितने छात्र थे, 24 छात्र, फिर हमने इसमें किसको ऐड कर लिया, अध्यापक को हमने एक, यानी कितने कैंडिडेट अध्यापक एक हमने ऐड कर लिया, अब टोटल कितने हो गए 25, यही मैंने यानी 24 हमारे क्या ये क्या होगी छात्रों की संख्या, यानी मतलब ये इसको हम बोले सदस्यों की संख्या। देखो पहले 24 थे फिर एक और 25, 24 का एवरेज आपको मालूम है कितना गिवन है, 24 छात्रों के एवरेज गिवन है यानी 20 साल। देखो 24 का आपको गिवन है 20 साल है, 25 जब हो जा रहे हैं, यानी 25 किस केस में हो रहे हैं, जब आप अध्यापक को जोड़ रहे हैं, यानी 25 तब हो रहे हैं जब आप अध्यापक को जोड़ लिए, जब आप अध्यापक को जोड़ रहे हैं तब आपकी कितनी औसत हो जाती है, एक साल बढ़ जाती है, यहाँ पे आपकी जो औसत आयु कितनी हो जाएगी 21 साल, यानी इस केस में आपकी औसत आयु कितनी होगी 21 साल। अब देखिए ये इतना डेटा गिवन, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि देखिए जो डेटा आपको एवरेज जिसका गिवन है, आपको जो एवरेज टोटल एवरेज, यानी देखिए यहाँ पे कैंडिडेट कितने 24 हैं, यहाँ पे 25 है, यानी मैक्सिमम जो टोटल कैंडिडेट है सबका मिला के जो एवरेज है उस एवरेज से घटाते जाइए, यानी इसका इतना सा कंसेप्ट है, यानी जो इसमें है मेथड में कि आपके जो सदस्य अलग अलग ग्रुप में जो एवरेज गिवन है उस औसत यानी उस एवरेज को जो टोटल एवरेज है उससे माइनस करते जाइए। फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं कि यानी कि इसका क्या कंसेप्ट, यानी जो अलग अलग सदस्यों का एवरेज गिवन है उनका एवरेज को आप जो टोटल एवरेज गिवन है उस एवरेज से माइनस करते जाइए। तो देखिए यहाँ पे 24 सदस्यों कितना 21 साल, तो यहाँ पे इसका एवरेज क्या हो जाएगा 20 में 21 करेंगे तो -1 हो जाएगा। अगर हम इसका कहें कि इसका एक्स, अभी मैं स्टार्टिंग में आपको इसको एक्स मान के समझाया जा रहा हूँ, इसके बाद हम इसको बिना एक्स के सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको एक्स मानूं तो ये क्या हो जाएगा एक्स इसकी अगर एवरेज है तो एक्स को आप माइनस करिए 21 से, आपने माइनस कर दिया। देखो यहाँ पे सदस्यों की संख्या 24 है, यहाँ पे सदस्यों की संख्या 1 है, अब इन दोनों का क्योंकि एवरेज ये है तो इन दोनों की जो वैल्यू वो क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 24 कैंडिडेट है यानी 24 कैंडिडेट है, इस पे एक कैंडिडेट है, अब इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन दोनों की वैल्यू यानी इन दोनों का सम जीरो होना चाहिए, अगर इन दोनों का सम जीरो होगा तभी ये एवरेज होगा। देखिए इन दोनों का जो सम क्या हो जीरो होना चाहिए, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -1 इंटू 24 इक्वल टू एक्स माइनस 21 इंटू
ये क्या हो जाएगा x माइनस 21 इंटू वन, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि जोड़ रहे हैं, इक्वल टू जीरो होगा, इन दोनों का सम आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 21 इंटू वन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 24। अब देखिए इस रिलेशन को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं अब इसी रिलेशन को डायरेक्ट लिखूंगा, आप कैसे इस रिलेशन को लिखेंगे आप यहां से देखिए, देखिए यहां पे अगर हम x ना ले लो, यानी कि इसका जो सम है, यानी जो आपका टोटल एवरेज से आप निकालेंगे उसको और नंबर आप जो सदस्यों की संख्या उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करके इसके इक्वल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये किया है, अगर जो इसका वैल्यू आई है उसका साइन चेंज करके जो दूसरा आपका ग्रुप है उसके इक्वल लिख सकते हैं, हमने ये किया है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो गया 24। अब देखो जो इसके सदस्यों की संख्या है उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी इसको देखो 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24। अब इस 24 जो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको आप इस पे ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 21 प्लस 24, तो ये हो जाएगा आपका 45 जो आपका पीछे से आंसर आया था। तो देखिए आपका क्या हुआ आंसर। अब देखो ये तो मैंने अभी डिटेल में इस तरीके को बताया कि कैसे चलता है प्रोसेस, अब देखो इसको शॉर्ट में करते हैं इसी मेथड को, यानी देखिए अब मैं इस तरीके को बिल्कुल दो स्टेप में करता हूँ। देखिए 24 का एवरेज कितना गिवन है 20 साल, इसके बाद हम एक का नहीं मालूम, हमें इसकी एज चाहिए, लेकिन हमें मालूम है कि जब 25 है तब उनका जो एवरेज है वो कितना है 21 साल, यानी अब इससे देखिए इसको इससे माइनस कर दीजिए तो इसका क्या आ जाएगा आपका -1, कैंडिडेटों की संख्या कितनी है 24, यानी इसका जो सम वो साइन चेंज करके जो दूसरे वाले कैंडिडेट उसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा प्लस 24, इसकी वैल्यू दोनों तभी जीरो होगी। अब देखो ये क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू अगर इसकी जो सदस्यों की संख्या उससे आप क्या कर दीजिए इसको डिवाइड, तो इसका एवरेज आ जाएगा। अब देखिए ये किस में आया प्लस में, यानी ये क्या होगा प्लस 24, अब इसको आप इस पे ऐड कर दीजिए तो इसका जो एवरेज आ जाएगा, तो आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपका जो सेकेंड ग्रुप है उसका एवरेज आएगा 25 प्लस 24 इक्वल टू 45। यहाँ पे सदस्यों की संख्या एक है इसलिए इसकी यही क्या होगी एज होगी, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी मेथड पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी कक्षा में 50 छात्रों का वजन 100 kg है, यदि उनमें से एक को निकाल दिया जाता है तब औसत 500 ग्राम कम हो जाता है, निकाले गए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए, वजन ज्ञात करें, वजन क्या होगा।
अब देखिए ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं जो अभी पीछे बात की थी। देखो यहाँ पे क्या है, टोटल कितने छात्र हैं, यानी 50 छात्र हैं। हमने यहाँ पे टोटल कितने हो गए 50। यदि उनमें से एक छात्र को निकाल दिया जाए, यानी एक छात्र को हमने क्या कर ये निकाल दिया, तो टोटल कितने छात्र बचे 49। यही एक सीरीज बनी। देखिए जैसे वहां पे था 24 + 1 = 25, यहाँ भी देखिए 49 छात्र का और एक यानी 50। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, गिवन है 50 छात्रों का जो औसत है कितना है 100 है, ठीक है। जब उनमें से एक छात्र को निकाल दिए गए, हमने इसको निकाल दिया, तो हमारे एवरेज में 500 ग्राम की कमी हो जाती है। यानी जब इस छात्र को हमने यहाँ से बाहर कर दिया, तो जो 49 छात्रों का एवरेज है उसमें 500 ग्राम की कमी हो जाती है। यानी 500 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 500 डिवाइड बाई 1000 = 0.5 kg। यानी आपका जो पहले 100 kg था, अब कितना हुआ, अब आपका 99.5 kg हो गया, क्योंकि आपने एक को क्या कर दिया, निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर, 49 का 99.5 kg, तो 100 से आप माइनस करिए इसको, तो देखिए 99.5 - 100 तो आपका कितना हो जाएगा -0.5। इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसके सदस्यों की संख्या है, यानी इसके सदस्यों की संख्या कितनी है 49, तो इससे आप कर दीजिए 49 से मल्टीप्लाई। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू इसके जो दूसरा ग्रुप है उसके साइन चेंज करने के बाद इक्वल हो जाएगी, यानी इसकी जो माइनस में इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 0.5 × 49। ये इसकी क्या वैल्यू आई, यानी जितने कैंडिडेट इस ग्रुप में होंगे उन सबका सम इतना होगा। ओके अब देखिए अगर इनका सम इतना होगा, अब इसका हम 1 से अगर इसको डिवाइड करें तो इस ग्रुप का एवरेज आ जाएगा। अब इस ग्रुप जो इसका सम आएगा उसको कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 5 5 9 45 4 and 5 4 20 and 4 24 24.5 इतना आया। अब इसका हम कहाँ पे ऐड करेंगे, इसका जो वेट है, क्योंकि ये प्लस में आ रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। जब इसमें आप ऐड करेंगे तो इसका जो जो आपका ग्रुप दूसरा उसका क्या आ जाएगा टोटल वेट, तो ये 100 + 24.5, तो ये कितना हो जाएगा 124.5 kg। यानी कि जो आप जिस कैंडिडेट को निकाले थे उसका वेट 124.5 kg होगा। तो आप इस तरीके से जो इसके क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जिससे आपको ये मेथड बहुत क्लियर हो जाए, क्योंकि ये अगर एक बार क्लियर हो गया तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आपको मान के करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है कि 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, तीस छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, यदि इसमें अध्यापक को जोड़ देते हैं तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तब अध्यापक की आयु गिर
याद करें। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 30 छात्रों की आयु है वो कितनी है, 9 साल है। यानी 30 छात्रों की जो आयु है कितनी है, 9 साल है। हम कहते हैं 30 छात्र उनकी आयु 9 ईयर है। अब इसमें क्या है, औसत आयु 9 साल है, इसमें हमने एक टीचर को भी जोड़ दिया, टीचर को जोड़ दिया। अब इनकी जो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 31 हो गए। इनका औसत कितना हो गया आपका, एक साल बढ़ जाता है, यानी 9 से अब कितना हो गया, 10 साल हो गया। सेम वही, हमें इसका नहीं मालूम है कितना क्या एवरेज है, पहले हम इसका एवरेज निकालेंगे। तो जो दूसरा ग्रुप का एवरेज होगा आप इससे क्या करो, माइनस कर दो। तो आपका 9 माइनस 10 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -1। आप कैंडिडेट को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो मल्टीप्लाई बाई 30, तो हो जाएगा -30। ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपके इसमें, यानी +30 के इक्वल हो जाएगा। अब आप इसमें क्या करिए, एक से डिवाइड करिए तो इसका एवरेज आ जाएगा। मैं एक से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे एक के अलावा कोई दो या तीन कैंडिडेट हो जाते हैं, सपोज करो यहाँ पे तीन लोगों का एवरेज फाइंड आउट कराता है, तो वहां पे हम क्या करते, दो से डिवाइड करके इसमें ऐड करते तो दो लोगों का एवरेज निकल आता। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 1, तो ये कितना हो गया, +30। अब इसको आप ऐड कर दीजिए इसमें, तो जैसे आप इसमें +30 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका, 40 इयर्स। यानी कि जो टीचर्स की एज है वो 40 साल है, टीचर की जो आयु हो वो 40 साल का है। इस तरीके से आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए एक यहाँ पे अभी तक हमने जितने क्वेश्चन के सामने एक बंद था, अब हम यहाँ पे देखें दो का देख लेते हैं एक एग्जांपल। छात्रों की औसत आयु 32 कर लीजिए, 32 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि इसमें से 2 छात्रों को निकाल दिया जाता है तब औसत एक से कम हो जाता है, तब निकाले गए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। यहां पे देखिए 2 छात्रों को निकाल रहे हैं, अभी तक हम एक को निकाल रहे थे। देखिए सेम वैसे यहाँ पे कितने छात्र थे, पहले 32 थे, तो हमने कह दिया 32 छात्र हैं। हमने कितने को निकाल दिया, हमने 2 को निकाल दिया। अब हमारे पास कितने छात्र बचे, 30 छात्र बचे। जब 30 छात्रों का एवरेज, चलो पहले 32 का एवरेज गिवन है कितना है, 20 साल। यदि 2 को निकाल देते तो एवरेज 1 से कम हो जाता है, यानी कि जो 30 का एवरेज कितना है, 19 साल है। सेम अब देखिए यहाँ पे वही प्रोसेस अपनाएंगे कि यहाँ पे 20 है, यानी कितना यहाँ पे हो गया, 1 कम, यानी -1। नंबर ऑफ कैंडिडेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मल्टीप्लाई बाई 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -30। इसका साइन चेंज करके यहाँ पे लिखिए तो +30, और इसके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है जो जितने सदस्यों की संख्या उससे इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड, तो इसका एवरेज आ जाएगा, यानी कितना हो गया, 15 प्लस में, यानी कि ये क्या है, जो ये एवरेज है उसमें आप +15 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 34
फाइव, यानी कि जो दो छात्रों का औसत कितना आया आपका, औसत यहां से आपका 35 हो गए। अगर ये कहे कि दो छात्र उन दोनों निकाले गए छात्रों की एज का सम कितना होगा, यानी जो आयु कितनी होगी दोनों छात्रों की, आयु का योग वो कितना हो जाएगा, 35 गुणे 2 यानी कि 70 साल। उन दोनों की जो आयु है वो कितने, 70 साल की है, 70 ईयर, 70 वर्ष के हो गए। तो हम इस तरीके से हमने इस टाइप के जो क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, और आप हमें अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है या जो समझ में नहीं आ रहा है आप उसको पूछ भी सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, तो मे भी मैं प्रयास करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको यहाँ पे समझा सकूँ। ओके गाइज, थैंक यू।